दोस्तों, अगर आपसे वफादार जानवर का नाम पूछें तो आप सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होगा, डॉग। और ये सच भी है, आप में से कई लोगों ने अपने घरों में अलग अलग ब्रीड के डॉग्स को पाल भी रखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे डॉग्स भी हैं जिन्हें भारत में बैन कर दिया गया है? क्या आपके घर में वो डॉग तो नहीं? जानने के लिए टॉप 10 हिंदी चैनल की वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करें। नंबर 10, अमेरिकन बुलडॉग। इस डॉग का यह नाम कैसे रखा गया ये जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बुलडॉग का ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इन डॉग्स को इंग्लिश गेम बुल बेटिंग खेलने के लिए यूज किया जाता था, जिसमें एक बैल को जमीन से खूंटे से बांध दिया जाता था और कुत्तों को बैल की नाक काटने के लिए छोड़ दिया जाता था। बुलडॉग अपने मजबूत निडर स्वभाव के कारण इस खेल के लिए सूटेबल थे, लेकिन अब इस गेम पर बैन लगा दिया गया है। ये डॉग्स इंटेलिजेंट और ट्रेंड होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल रखवाली के लिए ज्यादा किया जाता है। अमेरिकन बुलडॉग के 3 मेन टाइप्स हैं, हाइब्रिड, स्टैंडर्ड और क्लासिक। ये 27 से 75 किलोग्राम वजन और 50 से 71 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले कुत्ते होते हैं। इनका एवरेज जीवन काल लगभग 10 से 15 साल का होता है। इन कुत्तों की विशेषता बड़े सर, मजबूत जबड़े और स्पष्ट झुर्रियों वाला चेहरा है। बेहद एक्टिव इन कुत्तों में शिकार करने की अपार क्षमता होती है। ये अपने परिवारों के प्रति अपनी लॉयल्टी, सिक्योरिटी और अफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भारत में अमेरिकन बुलडॉग को सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक मानकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। नंबर 9, बैन डॉग। इनका नाम बैन डॉग इसलिए रखा गया था क्योंकि दिन में इन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता था और रात में घूमने और रखवाली करने के लिए छोड़ दिया जाता था। बैन डॉग के जबड़े में 730 PSI की शक्ति होती है, जबकि दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़े वाले कुत्ते द कैंगल शेफर्ड में 743 PSI की ताकत होती है। बैन डॉग अमेरिकन बुलडॉग और नेपोलिटन मैस्टिफ का मिश्रण है। बैन डॉग एक शक्तिशाली और राजसी कुत्ते की ब्रीड है जो अपनी ताकत, वफादारी और सुरक्षा की भावना के लिए जानी जाती है। वे मुख्य रूप से रखवाली और शिकार के लिए पाले गए थे। एक स्वस्थ बैन डॉग का वजन उसकी क्लासिफिकेशन के आधार पर 35 से 65 किलोग्राम और ऊंचाई 61 से 74 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसका जीवन काल केवल 10 साल का होता है। बैन डॉग की अगर सही से ट्रेनिंग और देखभाल ना की जाए तो ये डॉग्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। भारत सरकार ने बैन डॉग सहित हाई रिस्क वाली माने जाने वाली कुछ ब्रीड्स की ओनरशिप को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रीड स्पेसिफिक लॉज बनाए हैं। इस प्रतिबंध के पीछे का लॉजिक मुख्य रूप से कुत्तों के हमलों को कम करना और जनता का नुकसान से बचाना है। नंबर 8, नेपोलिटन मैस्टिफ। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रीड में से एक है। नेपोलिटन मैस्टिफ प्राचीन रोमन वॉर डॉग्स के वंशज है, जिसे 1940 के दशक में इटली में खोजा गया था। इन मेल डॉग्स की ऊंचाई 66 से 79 सेंटीमीटर और वजन 68 से 91 किलोग्राम होता है, जबकि फीमेल डॉग्स की ऊंचाई 61 से 74 सेंटीमीटर तक और वजन 54 से 73 किलोग्राम है। नेपोलिटन मैस्टिफ को मूल रूप से मालिक और प्रॉपर्टी के रक्षक के रूप में पाला गया था। नेपोलिटन मैस्टिफ के जबड़े में 556 PSI की शक्ति होती है और एक बेहतरीन गार्ड डॉग है और अपने परिवार और घर की रक्षा करता है। ये 2 घंटे एक्टिव रहकर 22 घंटों तक सो सकता है। इसका औसत जीवन काल 7 से 9 वर्ष के बीच है। नेपोलिटन मैस्टिफ को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और अगर इन्हें अच्छे से ट्रेन ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। इनके खतरनाक और साइज में बड़े होने के कारण ही शायद भारत में इस नस्ल को बैन कर दिया गया है। नंबर 7, वुल्फ डॉग। ये घरेलू कुत्ते और एक जंगली भेड़िए का मिश्रण है। इन्हें वुल्फ हाइब्रिड के रूप में भी जाना जाता है। वुल्फ डॉग एक बहुत ही खास कुत्ता है जिसमें भेड़िए की तरह स्वतंत्रता और ताकत होती है, साथ ही कुत्ते की वफादारी और बुद्धिमता होती है। एक सामान्य वुल्फ डॉग की ऊंचाई 66 से 86 सेंटीमीटर और शरीर का वजन 23 से 45 किलोग्राम है। सही मालिक के लिए एक वुल्फ डॉग असाधारण साथी बन सकता है। वुल्फ डॉग आमतौर पर 12 से 14 साल तक जीवित रहते हैं। डॉग बाइट स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक डॉग्स के काटने से होने वाली मौतों में वुल्फ डॉग 6ठे स्थान पर आते हैं। ये जानवर अपने मालिकों के साथ जुड़े रहते हैं और हाईली प्रोटेक्टिव होते हैं। इन वुल्फ डॉग का नेगेटिव साइड ये है कि ये बहुत गुस्से वाले पालतू जानवर होते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए दूसरे लोगों और पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और भारत सरकार ने इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने, जोखिमों को कम करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देसी वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वुल्फ डॉग्स के ओनरशिप पर प्रतिबंध लगाया है। नंबर 6, बोयर बॉयल। ये एक रेयर डॉग ब्रीड है जो आपको किसी भी जगह पर आसानी से नहीं मिलेगी। नौसिखिए लोगों के लिए ये नस्ल नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग, काम, हाईली इंटेलिजेंट और इनक्रेडिबली लॉयल होते हैं। बोयर बॉयल डॉग का यूज मुख्य रूप से लकड़बग्घा, शेर और दूसरे खतरनाक जानवरों से निपटने के लिए किया जाता था, जो खेतों पर अटैक करने की कोशिश करते थे। ये साउथ अफ्रीका का एकमात्र कुत्ता है जिसे घर या खेत की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया था। बोयर बॉयल डॉग में स्ट्रॉन्ग गार्ड डॉग की प्रवृत्ति होती है। बोयर बॉयल के काटने की क्षमता 450 PSI है। ये बहुत पावरफुल होते हैं।
जो उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली कुत्तों में से एक बनाता है। वास्तव में 450 PSI एक ग्रे वुल्फ से अधिक मजबूत है और एक ब्लैक पिराना के बराबर है। मेल बोयर बॉयल कुत्ते 61 से 69 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उनका वजन 64 से 91 किलोग्राम होता है, जबकि फीमेल बोयर बॉयल कुत्ते 56 से 63 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उनका वजन 50 से 68 किलोग्राम होता है। बोयरबेल भारत में प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों में से एक है। बोयरबेल कुत्तों को भारत में इस कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि उनके आकार, ताकत और प्रोटेक्टिव नेचर ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। नंबर 5, प्रेसा कानारियो। इस ब्रीड का नाम स्पेनिश है और इसका मीनिंग है कैनेरियन कैच डॉग। इस नस्ल को कभी कभी डोगो कैनरियो या कैनरी मैस्टिफ भी कहा जाता है। ये शांत, स्नेही और मिलनसार कुत्ते हैं। ये अजनबियों से सावधान रहते हैं। प्रेसा कैनरियो मूल रूप से कैनरी आइलैंड से बिलोंग करते हैं। ये मूल रूप से पशुधन चराने और खेतों की रखवाली जैसे कामकाजी उद्देश्यों के लिए पाले जाते हैं। ये नस्ल मजबूत इरादों वाली, शक्तिशाली, बुद्धिमान और अजनबियों पर बहुत शक करने वाली होती है। प्रेसा को पानी बहुत पसंद होता है और वो एक बहुत अच्छा स्विमर है। एक मेल प्रेसा कैनरियो 61 से 66 सेंटीमीटर लंबा और 45 से 73 किलोग्राम वजन का हो सकता है। फीमेल प्रेसा कैनरियो डॉग्स मेल डॉग्स की तुलना में छोटे होते हैं। ये आमतौर पर 9 से 10 साल तक जीवित रहते हैं। हालांकि उनके विशाल आकार और ताकत ने उनके गुस्से ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, जिसके कारण भारत सहित कई देशों में प्रेसा कैनरियो कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 4, फीला ब्रैसिलेरियो, जिसे ब्राजीलियन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राजील का नेशनल डॉग है। ये 15वीं शताब्दी में ब्राजील लाए गए इंग्लिश मैस्टिफ्स और राफेरो दो एलेंटेजो जैसे लोकल ब्राजीलियन डॉग्स के वंशज हैं। फीला ब्रैसिलेरियो को जैगुआर जैसे बड़े शिकारियों को भगाने के लिए पाला जाता है। इन कुत्तों को सूंघने की बहुत गहरी समझ होती है। फीला ब्रैसिलेरियो एक बड़ा छोटे बालों वाला कुत्ता है, जिसमें मेल की हाइट 25 से 30 इंच और फीमेल की हाइट 23 से 28 इंच होती है। मेल फीला ब्रैसिलेरियो का वजन 63 से 82 किलोग्राम तक होता है, जबकि फीमेल का 56 से 73 किलोग्राम है। अपने विशाल आकार के बावजूद ये रक्षक कुत्ते फुर्तीले होते हैं। फीला ब्रैसिलेरियो अपने मालिक के लिए किसी का भी 35 मील प्रति घंटे तक का पीछा कर सकते हैं। इनके गुणों के बावजूद फीला ब्रैसिलेरियो कुत्ते की नस्ल को उनके स्वभाव और गुस्से के बारे में चिंताओं के कारण भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनका औसत जीवन काल 9 से 11 वर्ष तक होता है। नंबर 3, टोसा इनो। इस नई नस्ल को आज टोसा इनो, टोसा केन और टोसा टोकन के नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिन जापान के कोची स्टेट में शिकोकू आइलैंड में हुआ था, जहां टोसा शहर लोकेटेड है, जिसके नाम पर इस ब्रीड का नाम रखा गया है। टोसा इनू सबसे महंगी ब्रीड्स में से एक है, जिनकी कीमत 35 लाख रुपए है। आलिशान ढंग और मजबूत निर्माण के साथ ये पहले डॉग्स हैं जो लड़ने के लिए पाले गए थे, लेकिन अब निगरानी करने वाले कुत्तों के रूप में इनको उपयोग किया जाता है। टोसा डॉग्स 1400 किलोग्राम से अधिक वजन खींच सकते हैं, लेकिन आप ही बताइए कितने लोग एक ऐसे कुत्ते को संभाल सकते हैं जो 1400 किलोग्राम से अधिक वजन खींच सकता है? ऑफ कोर्स जवाब होगा कोई नहीं। इस ब्रीड को मात नहीं दी जा सकती है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इस ब्रीड को बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि किसी आम आदमी द्वारा इनको संभालना नामुमकिन है। भाई, इसको संभालने के लिए एक अलग से बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा और शायद वो भी ना संभाल पाए। इनका जीवन काल 10 से 12 साल तक होता है। नंबर 2, पिटबुल। ये अमेरिकन हीरो है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में पिटबुल को फैमिली डॉग्स, मैस्कॉट और मिलिट्री हीरोज के रूप में सम्मानित किया जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने अमेरिकी सेना का साथ दिया था। पिटबुल बहुत ही बहादुर और वफादार कुत्तों में से एक है। पिटबुल को अक्सर उनकी हाई इंटेलिजेंस और सूंघने की क्षमता के कारण पुलिस और कस्टम डॉग्स के रूप में ट्रेन किया जाता है। पिटबुल किसी भी बॉम्ब और ड्रग का बहुत ही आसानी से सूंघ कर पता लगा सकते हैं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर को अमेरिका और इंटरनेशनली लेवल पर डॉग्स की सबसे खतरनाक ब्रीड्स में से एक माना जाता है। ये बहुत अग्रेसिव ब्रीड है और लोगों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जाने जाते हैं, और भारत सरकार द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाने का यही सबसे बड़ा कारण है। पिटबुल का गुस्सा। इनका एवरेज जीवन काल 12 से 14 साल का होता है। दोस्तों, पिटबुल के बारे में कहा जाता है कि ये अपने जबड़े को लॉक कर लेता है, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पिटबुल के पास कोई विशेष एंजाइम नहीं होता जो उन्हें अपने जबड़ों को लॉक करने की क्षमता देता है। नंबर 1, डोगो अर्जेंटीनो। खतरनाक खेलों के लिए और पहाड़ी शेरों जैसे खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए इस नस्ल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन्हें पुलिस के काम जैसे सर्च और रेस्क्यू और मिलिट्री के लिए भी ट्रेन किया जाता है। ये दुनिया के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग्स की लिस्ट में शामिल है। इस ब्रीड का ओरिजिन अर्जेंटीना रिपब्लिक के मिडल एरिया के कोरदोबा प्रोविंस में हुआ। डोगो अर्जेंटीनो अत्यधिक बुद्धिमान जानवर है। ये फैमिली और घर के नेचुरल प्रोटेक्टर होते हैं। डोगो अर्जेंटीनो आमतौर पर हेल्दी ब्रीड है। इनकी हाइट आमतौर पर 60 से 68 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि जीवन काल 10 से 12 साल तक होता है। इसका इतना ताकतवर होना ही इसे भारत सहित 12 से अधिक देशों में प्रतिबंधित करता है।
दोस्तों भारत में किसी भी नस्ल के कुत्ते को पालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन विदेशों से आने वाले इन कुत्तों के इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जो पहले से ही इन कुत्तों की ब्रीड के मालिक हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अब विदेशों से आप इन कुत्तों को नहीं ला सकते क्योंकि इन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।